Hi, today we will discuss all the critically endangered and endangered species in India. तो ये critically endangered species की list है, जिसमें आपके mammals में आते हैं pygmy hawk, Andaman white tooth shrew, Jenkins Andaman spiny shrew, Nicobar white tail shrew. Shrew is similar to a mouse. Then you have Kondana rat, large shrew or Elvira rat, Namdapa flying squirrel, Malabar skewit, Sumatran rhinoceros, Javan rhinoceros. और अगर हम critically endangered birds की बात करें, then we have at least 15 birds. Out of which actually Himalayan quail and pink-headed ducks are supposed to be extinct in wild, and rest Anthera berry, forest owlet, great Indian bustard, Bengal floricon, Siberian crane, spoon-billed sandpiper, social hopping, Jordan's grouser, white-backed vulture, red-headed vulture, white-bellied heron, and slender-billed vulture. All these are critically endangered birds. Now, the critically endangered reptiles are gharial, oxbill turtle, leatherback turtle, river terrapin is another turtle, Bengal roof turtle, and Cispa de gecko. Whereas in terms of fishes, fish के बारे में अगर बात करें तो पांडिचेरी शार्क, गैंजेस शार्क और गंगा शार्क, नाइफ टूथ शॉफिश, लार्ज टूथ शॉफिश एंड नैरो स्नाउट शॉफिश. तो अगर मैमल्स में थोड़ा डिटेल में जाएं तो सबसे पहला अगर नाम आता है तो हिमालयन ब्राउन बेयर. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है और ये पाया जाता है नेपाल, तिब्बत, नॉर्थ इंडिया में. तो आप देखेंगे कि ये एरिया रीजन जो है नेपाल, तिब्बत, नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न पाकिस्तान, ये सब हिली एरिया है एंड हिली एज वेल एज तराई रीजन में ये पाया जाता है. इसका मेन रीजन ऑफ लॉस ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट. ये इसका एक रीजन है जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया, सेंट्रल एशिया, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड पार्ट्स ऑफ चाइना आल्सो. अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, मैमल है जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वो है पिग्मी हॉक. पिग्मी हॉक का मतलब हो गया एक बहुत छोटा सा स्वाइन. इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग एंड इट कंस्ट्रक्ट्स अ नेस्ट. तो ये एक बहुत पिक्यूलियर क्वालिटी है इसकी. ये घोंसला बनाता है और ये घोंसले में रहता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ग्रासलैंड इज एक्चुअली हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन, हेल्दी और नॉट. बिकॉज द मोर द पॉपुलेशन ऑफ पिग्मी हॉक, द मोर इट कैन बिल्ड नेस्ट, द मोर नेस्ट मटीरियल फॉर नेस्ट इज अवेलेबल, द बेटर द ग्रासलैंड इज. एंड जहाँ पिग्मी हॉक पाया जाता है वहाँ पे आपको अदर स्पीशीज भी मिलेंगे इंडिया के, जैसे इंडियन डायनासोर, स्वॉन डियर, वाइल्ड बफेलो, हिप्सी डियर, ये एक बड़े कानों वाला खरगोश होता है, बंगाल फ्लोरिकन जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, और स्वॉन फ्रैंकोलिन ये भी एक बर्ड है. तो इसका रिलेटिवली जो प्रॉब्लमेटिक रीजन है फॉर हिज डिक्लाइन इज पॉपुलेशन इज द लॉस ऑफ ग्रासलैंड्स एंड स्पेशली इन द तराई ग्रासलैंड्स. जनरली ये पहले इंडिया, नेपाल, भूटान में पाया जाता था और इसका जो मेन एरिया ऑफ पॉपुलेशन है वो है आसाम का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स बफर एरियाज. इसके बॉडी पे एक लाउज होता है जो खून चूसता है और उस पर डिपेंडेंट रहता है. And now pygmy hawks also fall in the same risk category as critically endangered. And so therefore this louse, which is a blood-sucking louse, is also becoming a critically endangered species. Main threat is again the same, loss of and degradation of grasslands. The unique thing is that it is in the Himalayan region, it is found in the Himalayan foothills of UP to Assam. It's a very big region, especially the Nepal Terai region, Bengal Duars. Currently the entire wild population is only restricted to a single population, that is in the Manas area. So area wise ye kafi bade prevalent area mein paye jate the, but nowadays they are restricted to in a very confined area of Manas wildlife, Manas tiger reserve or Manas wildlife sanctuary. So ye hai inka area, you can see is area se ye inka habitat area hai, but they are now considered only in the Manas wildlife sanctuary. Ab aate hain discuss karte hain Elvira rat ke upar. तो ये एक एग्जांपल उठाया गया है एलवीरा रैट का. बाकी अंडमान के जितने भी शुरू हैं वो सारे के सारे एंडेमिक टू अंडमान हैं एंड दे आर आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रैट व्हिच इज मीडियम इन साइज, व्हिच इज नॉक्टर्नल एंड इज एंडेमिक टू इंडिया. इट इज नॉट फाउंड समवेयर एल्स एंड इट इज स्पेसिफिकली फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु. सो आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है आपका, ये तमिलनाडु का एरिया हो गया. तो ईस्टर्न घाट्स कुछ ऐसे आपको बैंड होते हुए यहाँ मिलेंगे. ये इसीलिए नीलगिरी या फिर आपको यू के लिए कि वेस्टर्न घाट्स में नहीं मिलता है, ये स्पेसिफिकली ये इसी रीजन में मिलेगा आपको, ईस्टर्न घाट्स. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि वो एरिया कौन सा होगा, तो ईस्टर्न घाट्स का एरिया आपको जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करेंगे वो आपका होगा राजीव गांधी, रामेश्वरम, वेंकटेश्वरम इन आंध्र प्रदेश, देन इन द बांदीपुर नेशनल पार्क. एंड समवट सम यस टिल दैट पॉइंट इट कैन बी सेड दैट इट कैन बी फाउंड इन एंटायर Eastern Ghats, but it they will not be found in Western Ghats. This is the area of Western Ghats. तो आप इसको याद रखें और या mind करें कि ये rat is found in Eastern Ghats but not in Western Ghats. Now we will discuss about Namdapa flying squirrel. So it's a very unique squirrel which can fly, has almost wings. अपने tails को wing की तरह use करता है ये. एंड इसका एरिया जो है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो ये बेसिकली इज वेरी हाईली कंसंट्रेटेड एंडेमिक टू ओनली दिस एरिया, नामधापा टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, नामधापा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में.
एंड इट इज हंटेड फॉर फूड, दैट इज वाई इसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। ये वो एरिया है, लोहित रिवर के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चांगलांग। तो ये है नामदफा नेशनल पार्क जो कि लोहित रिवर के बगल में सिचुएटेड है, और ये डिस्ट्रिक्ट जिसमें ये लाई करता है उसका नाम है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। ये आप देख सकते हैं मैप में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा नहीं है, नामदफा नेशनल पार्क इज नॉट ओनली इन चांगलांग बट ऑल्सो इन पार्ट्स ऑफ म्यांमार ऑल्सो। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नामदफा टाइगर रिजर्व एंड नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ फुल ऑफ लश ग्रीन वेजिटेशन एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ ऑलमोस्ट 1985 स्क्वायर किलोमीटर एंड लाइज इन द बाउंड्री बिटवीन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, दैट इज इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और इसकी खास बात यह है कि इट इज सराउंडेड बाय तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन असम। तो असम से इसका बॉर्डर लगता है ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन द वेस्ट एंड लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल इन द नॉर्थ, तिराप इन द साउथ वेस्ट एंड ईस्ट में इसकी बाउंड्री है म्यांमार से। खास बात यह है कि ये एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब ये उसी लोकल एरिया में ही पाया जाता है, कंसंट्रेटेड रहता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत कम पॉपुलेशन है इसकी। और इसके साथ साथ आपको अगर नामदफा के कुछ यूनिक एनिमल्स मिलेंगे तो उनमें से आपको धूल मिलेगा, यूरेशियन ऑटर मिलेगा, रेड पैंडा मिलेगा, रेड फॉक्स मिलेगा, इनफैक्ट आपको एशियन पाम कीवेट भी मिलेगा, स्मॉल इंडियन कीवेट मिलेगा, इवन फिशिंग कैट भी मिल सकता है, एशियन गोल्डन कैट मिलेगा एंड मस्क डियर। सो दीज आर सम ऑफ द एनिमल्स व्हिच आर ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड दे आर फाउंड इन प्लेंटी इन नामदफा नेशनल पार्क। इंडियन मस्टाक, हॉक डियर, सांबर, गौर, गोरल, ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनको आपको याद होने चाहिए कि ये नामदफा में पाए जाते हैं। एंड सबसे यूनिक बात यह है कि नामदफा में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगा, मॉइस्ट डेसिडुअस भी मिलेगा, टेम्परेट भी मिलेगा एंड कॉनी फॉरेस्ट भी मिलेगा, एल्पाइन वेजिटेशन भी मिलेगा। सो आप ये कह सकते हैं कि नामदफा नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क जहाँ पे आपको एलिवेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। लोवेस्ट एलिवेशन पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको टेम्परेट मिल जाएगा, इनफैक्ट डेसिड्यूस कह सकते हैं, आपको डेसिड्यूस मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको टेम्परेट मिल जाएगा और उसके ऊपर आपको एल्पाइन मिल जाएगा। तो ये काफ़ी यूनिक, वन ऑफ द यूनिकेस्ट, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एंड मोस्ट यूनिक नेशनल पार्क है जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आपको डेसिड्यूस फॉरेस्ट, आपको टेम्परेट फॉरेस्ट एंड फाइनली आपको एल्पाइन वेजिटेशन, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप गेस कर सकते हैं कि आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द ओनली नेशनल पार्क विच कैन सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन, दस ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। सो नामदफा नेशनल पार्क कम्स इन द IUCN कैटेगरी 2 एंड वॉज डिक्लेयर्ड एन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1972, नेशनल पार्क इन 1983 एंड अगेन लेटर सक्सेसफुली इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो। It is endemic to a lot of animals, has a lot of critically endangered animals also, and it is also one of the biodiversity hotspot in eastern Himalayas. तो ये बहुत खास बात है याद करने, समझने का और याद करने का एग्जाम के पर्पज से भी कि ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। नेशनल पार्क जो है ये नामदफा नेशनल पार्क नॉट ओनली हैज लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ऑल्सो एल्पाइन वेजिटेशन टू एंड इसकी रेंज है आपकी 27 डिग्री नॉर्थ। So one of the few important points about this national park is that it is a kind of a situated on the bank of a river Noah Dihing. Noah Dihing ek tributary hai Lohit ki and Lohit is a tributary of Brahmaputra. To Noah Dihing is a tributary of Lohit jo Brahmaputra ki tributary hai. Basically ye Noah Dihing pe hi situated hai and yahan pe ek area hai jo bahut famous hai trek ke liye, that is Hornbill area. It is just 9 kilometers from Devan area and here you can see the lot of plenty of flocks of birds, hornbill birds. So even hornbill birds bhi aapko yahan pe milte hain jo ki na hi sirf endangered hain but also they are very very unique in character. Moti Jhil another area hai which is having aquifers. Aquifers aap samajhte hain jo aise areas jahan se underground water nikalta hai surface pe and which these are the areas where layers of water are actually hidden in the rocky substrata. तो अगर ये आपका बेस है, इसके नीचे अगर कोई रॉकी सबस्ट्रेट है तो यहाँ पे पानी जमा रहता है। तो अगर आप यहाँ पे वेल को बोर करते हैं तो कोई आप होल करते हैं, ड्रिल करते हैं तो इसमें से वाटर गश करते हुए ऊपर निकलता है सरफेस पे। तो इसलिए इन एक्विफर्स की वजह से यहाँ पे काफी स्वैम्पी एरिया भी रहता है। ठीक 5 किलोमीटर दूर आपको यहाँ पे होलो गिबॉन का एरिया भी मिलेगा जिसको गिबॉन्स लैंड कहते हैं। गिबॉन वन ऑफ द प्राइमेट्स है और इंडिया में केवल यही कैसी जगह है नियर टू नामदफा नेशनल पार्क जहाँ पे आपको होलो गिबॉन कंसंट्रेशन में मिलेंगे। एक और यूनिक पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए वो ये है कि चाइना म्यांमार के बॉर्डर पे आपको यहाँ पे लास्ट एक ट्राइब मिलेगी जो प्रेजेंट है यहाँ पे इंडिया की, जिसका नाम है लीशू ट्राइब, यानी कि लोकल एरिया में योबिन ट्राइब।
And it is at a distance of 120 kilometers from Divan. So you can see this is the track of ये नाम था नेशनल टाइगर रिजर्व, नाम था नेशनल पार्क है ये आपका कामलांग टाइगर रिजर्व है जो इसी के एडजेसेंट है। और आप मैप में देख सकते हैं कि इस साइड आपका म्यांमार है, ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पता है। एंड अगर आप वेस्ट साइड में अगर आप देखें तो तेजू और वेस्ट में अगर आप जाएं तो आपको दिगबोई असम के फील्ड्स दिखने लगेंगे। ये एरिया आपका पूरा का पूरा, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये बॉर्डर इज ऑफ असम। तो ये एरिया जो इतना बड़ा नाम था पर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, ये ना ही सिर्फ ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स एंड वेजिटेशन को सपोर्ट करता है बट ये खुद भी टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है, स्वैम्पी एरिया से घिरा हुआ है। और ये लोकल एरिया, दिस इज व्हाट इज नोन एज योर होलो गिबॉन एरिया। यहाँ होलो गिबॉन नाम के एप्स काफी हाई कंसेंट्रेशन में है जिसको लोग यहाँ से ट्रैक करते हुए जाते हैं देखने के लिए। After talking about Holo Gibbon, we should know some basic things about it also. These are the one of the second largest gibbons, number one. They are almost 60 to 90 centimeter, weigh from 6 to 9 kgs, and they are generally found in Holo is an Assami word and found in the Assam and Arunachal area. So India mein, northeast India mein, inki kafi presence hai, and they are found from south of the Brahmaputra river to the north of Dibang river. And thus they cover the area of Arunachal, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura. So almost entire northeast. Seven states of northeast cover karte hain. Therefore, almost entire northeast cover karte hain. And जो सेंचुरी है जो मैंने आपको पहले अभी दिखाया नामथापा के पास, उसका ही नाम है होलंगापार गिबॉन सेंचुरी, या इनको अगर शॉर्ट में बोले तो होलो गिबॉन सेंचुरी। अगर इसको और डिटेल में समझना है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये नामधापा आपका ये जो एरिया है जो म्यांमार से लगता है, ये है नामधापा नेशनल पार्क। और अगर आप गौर से समझे हैं तो ये आपका मिशमी हिल्स है, ये आपका पटकाई बम एरिया है जो कि नागा, इसके नीचे नागा हिल्स हैं, ये नागा हिल्स हो गए। तो पटकाई बम और मिशमी हिल्स के बीच में, यानी कि पटकाई बम और मिशमी हिल्स के बीच में आपका लाई करता है नामधापा नेशनल पार्क। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस इस बात इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ पे माउंटेन्स और वैलीज दोनों मिलेंगे आपको। एंड इस रेंज की बात करें तो आपका डफला, जो ये सारे अरुणाचल के हिल्स हैं जिनको हम पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, देन पटकाई बम, नागा हिल्स एंड देन लुशाई हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ऑल दिस हिल्स आर नथिंग बट पूर्वांचल हिल्स, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न हिमालयस एक्चुअली। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन किन दो ये माउंटेन रेंजेस के बीच में लाई करता है, वो है मिशमी और पटकाई बम। और रिवर की बात करें तो लोहित रिवर जिसकी ट्रिब्यूटरी है दियांग। तो ये मैं आपको एरिया बता रहा था चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का नाम के अंदर नामधापा नेशनल पार्क, तिनसुकिया और दिब्रुगढ़ आपके आसाम में आते हैं। एंड यहाँ पे आपका मिशमी हिल्स हो जाता है और ये साउथ में आपके पड़ जाता है पटकाई बम। अब बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कई बार, वो मैंने देखा है कि बायोस्फीयर रिजर्व को नामधापा से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इनको। तो दिब्रु शैखोवा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो दिब्रु शैखोवा एक्चुअली में लाइज इन आसाम, नॉट इन अरुणाचल, वेयर एज नामधापा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इज इन एंटायरली इन अरुणाचल। पॉइंट नंबर टू, दिब्रु शैखोवा एक यूनेस्को लेड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर, मैप प्रोग्राम के अंदर वो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि नामधापा जो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है वो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने किया है डिक्लेयर, ना कि यूनेस्को ने। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि दिब्रु शैखोवा इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, वेयर एज नामधापा इज नॉट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज ऑन लोहित और यू कैन से एज ऑन दिबांग रिवर। अगला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ नामधापा इज द ओनली जहाँ टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जहाँ पे ऑल क्लाइमेट्स आपको मिलते हैं एंड ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन, एंड दिब्रु शैखोवा में ऐसा नहीं है। दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन आपको एवरग्रीन मिलेगा, आपको ट्रॉपिकल मिलेगा एंड आपको थोड़े से सेगमेंट में टेम्परेट मिलेगा बट नॉट अल्पाइन। ये आपके मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो आपको समझना याद रखना जरूरी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ वन माउंटेन रेंज मिशमी हिल्स, तो ये यहाँ पे वेजिटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। नाउ वी विल सी सम अदर मैमल्स एंड एनिमल्स व्हिच आर वेरी एंडेमिक टू एंटायर नॉर्थ ईस्ट सच एज असम एंड स्पेसिफिकली टू अरुणाचल। जैसे अगर आप कैट द लंगूर की बात करें,
तो ये अभी तक इंडेंजर्ड नहीं है, सॉरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड है पर क्रिटिकली नहीं है। तो ये मानस नेशनल पार्क में मिलता है जो आसाम में है, नवेरी नेशनल पार्क में मिलता है, दिब्रू सैखोवा जो मैंने दिखाया आसाम में मिलता है, गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल में है वहाँ मिलता है, फिर आपका आसाम देहिंग पटकाई बम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बनादी पादुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब जगह पे ये पाया जाता है। तो ये एंडेमिक तो है, एंडेमिक टू इंडिया है, एंड इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट है, बट ये आसाम एंड अरुणाचल दोनों में ही मिलता है। अब देखते हैं होलो गिबॉन के बारे में। होलो गिबॉन आपका देखिए, गौर से देखिए तो दिब्रू सैखोवा यानी आसाम, गिबॉन यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम, आसाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल में वहाँ मिलता है। कोल्डन लंगूर, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोल्डन लंगूर आपको चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है और मानस नेशनल पार्क मिलता है, जो कि दोनों ही की दोनों आसाम में है एंड इट इज नॉट इन अरुणाचल। नाउ रीसस मका की बात करें तो वो मानस में, नमेरी में, एंटायर इनफैक्ट एंटायर आसाम प्लस अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, क्योंकि तो इसमें आप अगर आप देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये अरुणाचल में है। सिमिलरली पिक्टीड मका की अगर बात करें तो वो दिब्रू सैखोवा में भी है और गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी है, जो कि आसाम का रीजन है। उसी तरह आसाम मकाक तो ऑब्वियसली आसाम एंड आपको इवन अरुणाचल में भी मिलेगा, एंड स्टैम्पटेड मकाक इज अगेन ओनली स्पेसिफिकली इन गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो ओनली आसाम, एंड फ्लाइंग स्प्रेज इन मानस ऑल्सो, चक्रशिला ऑल्सो एंड नामदापा ऑल्सो। तो अगर आपको कोई कह दे कि फ्लाइंग स्प्रेज इज ओनली फाउंड इन नामदापा नेशनल पार्क, नो, इट इज फाउंड इन आसाम ऑल्सो, आसाम में आपका मानस नेशनल पार्क हो गया और चक्रशिला, चक्रशिला जिसमें मानस में तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, मेनली इसका कंसंट्रेशन जो है वो है चक्रशिला में, एंड अरुणाचल प्रदेश में तो ऑफकोर्स ये है ही इन नामदापा नेशनल पार्क। कॉफी, कॉफी प्लांटेशन काफी होता है। नाउ सुमात्रा राइनोसोरस, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मोस्ट एंडेंजर्ड ऑफ ऑल द फाइव राइनोसोरस स्पीशीज एंड इट इज फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, बस ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न हिमालयस। तो आप देखेंगे ईस्टर्न हिमालयस का रीजन वहां मिलता है, म्यांमार और ईस्टर्न हिमालयन रीजन, मलाय पेनिनसुला, इंडोनेशिया। तो ये सुमात्रा राइनोसोरस इस पूरे रीजन कंटिन्यूस रीजन में पाया जाता था, बट आज से कंसंट्रेशन केवल कुछ एरियाज ऑफ सुमात्रा में मिलेगा और कुछ एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे बड़ा रीजन इसके लॉस ऑफ लाइफ और पॉपुलेशन का है पोचिंग, पोचिंग एंड लॉस ऑफ। ये अर्लियर दिस वॉज इट्स हिस्टोरिक एरिया, नाउ टूडे इज कंसेंट्रेड ओनली इन दिस मच एरिया ऑफ सुमात्रा, सम इन बोर्नियो एंड बिट पार्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। अब अगला एनिमल है कश्मीर स्टैग, जिसे हंगुल कहते हैं, इसके फर बहुत यूज होते हैं, इसको इट्स अ स्पीशीज ऑफ रेड डियर एंड इट इज जनरली फाउंड इन कश्मीर वैली एंड नॉर्दर्न चंबा इन हिमाचल प्रदेश। तो लोगों में बहुत नाम है कश्मीर स्टैग लिखा हुआ है, बट ये सिर्फ कश्मीर ही नहीं, ये आपको जे एंड के साथ साथ हिमाचल में ही मिलता है, जो कि लोग मिस कर जाते हैं। तो अगर आपको दचिका नेशनल पार्क जाना है कहाँ पे है तो आप इसको देख सकते हैं, इस इन कश्मीर वैली, इस इन कश्मीर नाउ, जो कि अब रीऑर्गेनाइज हो गया है तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। व्हाट आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया? एंडेंजर्ड वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 to 70% डिक्लाइन हो चुकी होती है, 50 to 70% सॉरी 70% डिक्लाइन हो चुकी होती है विद इन 3 जनरेशन या फिर 10 सालों में। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की जो डेफिनेशन है वो यह है कि उनकी पॉपुलेशन 80% से ज्यादा डिक्लाइन कर चुकी हो विद इन 10 ईयर्स और 3 जनरेशन के अंदर। तो रेड पैंडा ये भी एक बहुत ही एंडेमिक एनिमल है, इट इज ओनली फाउंड इन द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस, इसलिए नेपाल से होते हुए भूटान, पूरा नॉर्थ, ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थन नॉर्थ ईस्ट एंड पार्ट ऑफ चाइना यहाँ भी मिलता है। सो इट इज मल्टी कंट्री प्रेजेंस है इसका, इट इज नॉट ओनली, इट इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया बट इट इज एंडेमिक टू दिस टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस। तो ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इट एंडेमिक तो है बट एंडेमिक ओनली फॉर हिमालयन रेंजेस एंड दैट टू टेम्परेट एरियाज ऑफ हिमालयन रेंजेस। इसकी हैबिटेट है सिक्किम, आसाम और अरुणाचल, तो बेसिकली ये मोर और लेस कंसंट्रेटेड है सिक्किम, आसाम और अरुणाचल एरिया में, इस एरिया को आप बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एल्स डियर और ब्राउन एंटेलियर डियर, इसके एंटेलियर्स बहुत होते हैं। ये केवल लामजाओ नेशनल पार्क यानी मणिपुर में पाया जाता है और इसका अगेन लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से पॉपुलेशन कम हो रहा है। दिस इज एरिया ऑफ मणिपुर जहाँ पे केवल लामजाओ नेशनल पार्क आपको मिलता है, और वैसे तो इसका वैसे तो आप कह सकते हैं कि ये पहले हिस्टोरिकली और भी एरियाज में मिलता था, बट नाउ समहाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड ओनली दिस पॉकेट ऑफ एरिया ऑफ मणिपुर एंड सम पार्ट्स ऑफ म्यांमार। केवल लामजाओ नेशनल पार्क की एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इट्स वन ऑफ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब ये होता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बिग वन बिग स्वाम्प, द होल नेशनल पार्क इज लाइक अ स्वाम्प एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इवन द सर्फेसेज ऑल्सो फ्लोटिंग एंड आर ऑलवेज मर्जिंग और डीमर्जिंग फ्रॉम द स्वैम्पी एरिया ऑफ दिस नेशनल पार्क। तो इसमें इसमें एक लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, जो कि लार्जेस्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ संगाई
डियर्स के लिए बोला जाता है, तो ब्राउन एंटी डियर को ही सगाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में इन मणिपुर, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। एंड यहाँ पे हॉग डियर भी मिलता है जो कि ऑलरेडी इंडेंजर्ड है। नाउ ये एक यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम है जहाँ पे लेक में बहुत सारे फुमदीज मिलते हैं। फुमदीज आर एक्चुअली अ मिक्स ऑफ ग्रासलैंड मड विच हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और ये इसमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस दे गेट लॉट ऑफ फर्टाइल ग्राउंड फॉर न्यू वेजिटेशन, जिसको जो विच बिकम्स अ फॉर्डर फॉर सगाई और एंटीलियर। देन दिस केवल लामजा नेशनल पार्क इज हैविंग यूनिक लेक लोकटक लेक, एंड दिस लेक इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट नेशनल रामासार साइट ऑल्सो। And this park is also a natural refuge to endangered Sangai antelier or Manipur brown antelier deer. Now, Loktak Day 15 October ko manaya jata hai in the periphery of Loktak Lake. And ye Monthru record is a record for all the wetlands which come under Ramsar agreement. To Ramsar Lake ke under hi aata hai, it is present in Manipur. Then Kebul Lamjau National Park is very unique, and it is because of the reason that many floating decomposed plant materials locally called fungi are present in it and make give it a unique characteristics. Now you can see ek image hai Loktak Lake ki, aap dekh sakte hain kaise ye pura ka pura lake mein ek bilkul solid base ground ban gaya hai because of fungi, and ye hai wo area Loktak Lake ka. Khas baat ye hai ki this brown antelope deer is endemic and endangered both. एंड जोग्राफी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये इट इज रिजर्व एरिया, एंड दिस स्वाम्प इज एनकंपसिंग हिल्स नेम मेनली पावो तोया एंड चिनिंगियाओ। तो ये इन तीन हिल रेंजेस को याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। इन ये तीन हिल्स रेंजेस के बीच का एरिया है जो एक लेक है और नेशनल पार्क भी है। इसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, एंड दिस द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये संगाई यहाँ के बहुत लोकल एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगला एनिमल जो हम डिस्कस करेंगे वो है गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर इज अ प्राइमेट, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइमेट एंड इज नोन एज ओल्ड वर्ल्ड मंकी। इसका एरिया ऑफ कंसंट्रेशन बहुत यूनिक छोटा सा ही है भूटान एंड आसाम का बॉर्डर, दैट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इज फाउंड इन द फुटेज ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान। तो ये है इन दिस एरिया इट इज जनरली फाउंड, खासकर जो बोला जाता है कि चक्रशिला, ये है फोर्थ नंबर पे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम में है, और ये है एरिया भूटान का जो बॉर्डर करता है आसाम से, यहाँ पे ये पाया जाता है। सो दिस इज पार्ट ऑफ मानस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए या फिर वाइल्ड नेशनल पार्क के लिए। गोल्डन लंगूर्स आर एक्चुअली देयर हैबिटेट एरिया इज मॉइस्ट एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। Also, they are limited to only range or area of Assam and Bhutan, and therefore changes colors even in seasons. This is how they can be identified. As of now, they are endangered. And Chakrashila Wildlife Sanctuary, जो बताया मैंने आपको, वहाँ पे ही इनकी सबसे ज़्यादा concentration है. And there have been lot many trees which have been planted on which golden langurs reside, specifically in Bogaigaon district, you know, of Assam. अगर हम हिमालय वाइट बलीड मस्ट डियर की बात करें तो इसका एरिया अगर आप देखें तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि हिमालयन मस्ट डियर है, तो हिमालयन रेंजेस में पाया जाएगा। तो वेस्टर्न हिमालय से ईस्टर्न हिमालय ये मिस नहीं करना है, वेस्टर्न हिमालय से लेकर ईस्टर्न हिमालय इसमें पूरा ये हिमालयन का एरिया इनका रेंज है। सो दे आर फाउंड इन पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, नेपाल, भूटान एंड इन चाइना ऑल्सो। कश्मीर, कुमाऊं एंड सिक्किम इज देयर हैबिटेट एरिया। थ्रेट इज ओनली पोचिंग एंड बिकॉज ऑफ द लीगल ट्रेड इन मस्क। Now, if you talk about hog deer is present in almost entire India, also in the swampy area and Southeast Asia. So, South Asia, दोनों में मिलता है, but not in the dry areas. तो आप देखिए राजस्थान, गुजरात और पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इन सब में hog deer आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये swampy area और grasslands को पसंद करता है, तराई region and grasslands, and इसका loss is only because of habitat loss. Now, if you talk about lion-tailed macaque एक तरह का बंदर होता है। So, it is endemic to Western Ghats, so point number one, and also is very shy of human presence. Evergreen forest ही होता है, इसलिए Western Ghats इसका favorite area है, और habitat fragmentation is one of the biggest reason, along with the agriculture for tea and coffee and chinkona, जिसकी वजह से इसका habitat destruction हो रहा है और इसकी population decline हो रही है। ये मैप में ये दिखाने की कोशिश की, तो अगर आप देखें तो ये Western Ghats है। Western Ghats में यही एक opening है जिसका नाम है Palghat Range से वेस्टर्न मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जाता है, जो थोड़ा बहुत पानी बरसाता है तमिलनाडु में। अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल जो है बैंगलोर, चेन्नई एंड मदुरई, ये बहुत फेमस टूरिज्म ट्रायंगल है। एंड इस जगह पे आप देखें तो ये वेस्टर्न घाट्स को और ईस्टर्न घाट्स को मिलाने वाला, ये ईस्टर्न घाट्स
और ये आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट को मिलाने वाला जो होता है वो नीलगिरी बनता है। इस एरिया में सेम सेम बात है कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को मिलाने वाला जो है वो है नीलगिरी, नीलगिरी कॉम्प्लेक्स। और इन दिस नीलगिरी कॉम्प्लेक्स आपको लैंड टेल मकाक मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स में आपको लैंड टेल मकाक मिलेगा, पर नीलगिरी में भी मिलेगा, नीलगिरी कॉम्प्लेक्स में, पर आपको ईस्टर्न घाट्स में नहीं मिलेगा। ये सवाल पूछा भी गया है 2013 या 14 या 16 में। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था कि लैंड टेल मकाक का नेचुरल हैबिटेट क्या है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा। नाउ तमिलनाडु क्योंकि नीलगिरी टच करता है, नीलगिरी रिजर्व में इसको पाया जाता है, क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है तमिलनाडु, इसलिए मिलेगा। केरला ऑफ कोर्स, केरला एंड कर्नाटका में आपके वेस्टर्न घाट्स हैं तो इसलिए वहां मिलेगा इन स्पाइट ऑफ द पालघाट रेंज। एंड रही बात आंध्र प्रदेश की, तो यहां नहीं मिलेगा बिकॉज आंध्र प्रदेश कवर्स हैज ओनली ईस्टर्न घाट्स, नो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 1, 3, 1, 2 एंड 3। सो ये इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं आप कैसे इजीली यूपीएससी में सवालों को निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज मैप की रहे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नीलगिरी थार। नीलगिरी थार इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट थ्री थार्स व्हिच इंडिया हैज इन वेस्टर्न घाट्स। इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलीगल हंटिंग, ओवर ग्रेजिंग और हैबिटेट लॉस आर द रीजन फॉर इट्स लॉस ऑफ पॉपुलेशन। सेम मैप, सेम पॉइंट। तो आप देखेंगे तो ये है पूरा नीलगिरी का एरिया फॉर नीलगिरी कॉम्प्लेक्स। ये पूरा एरिया आपका आता है वेस्टर्न घाट्स, ये केरला का, उधर से कर्नाटका एंड कर्नाटका का, ये एक बीच का एरिया आपका नीलगिरी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको ईस्टर्न घाट से जोड़ता है। तो आपको ये ना ही सिर्फ वेस्टर्न घाट से मिलेगा पर नीलगिरी कॉम्प्लेक्स में भी मिलेगा। और अगर आपको समझना है कि इस एरिया में कौन कौन से नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो आपका बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये आपका आता है नीलगिरी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। देन यू हैव रंगनथिट्टू बर्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसका पार्ट है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये आपका वेस्टर्न घाट्स और बायोस्फीयर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये भी नीलगिरी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। सो दिस इज नीलगिरी, और ये तीन चार नेशनल पार्क इसके पार्ट है। इस मैप से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं नीलगिरी कॉम्प्लेक्स पे, उसके नीचे एक गैप है जिसको कहते हैं पालघाट रेंज, यहीं से साउथ वेस्ट मानसून जाता है तमिलनाडु और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। एंड आप अगर गौर से देखें तो वेजिटेशन का जो डिफरेंस यहाँ पे है लोअर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स काफ़ी डिफरेंट है, और कुछ स्पीशीज अक्रॉस ऑल द एरियाज पाए जाते हैं, और नीलगिरी कॉम्प्लेक्स ही है जो ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स को मिलाता है। ईस्टर्न घाट्स के जो हिल रेंजेस हैं वह शेवरा रेंज, जवादी रेंज, वेर एज यहाँ एक कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ रेंज है वेस्टर्न घाट्स में। एंड नीलगिरी इज सराउंडेड बाय फ्यू सिटीज, आप देखें कोयम्बटूर इज नियर नीलगिरी, वेर एज ऑन द अदर साइड द सेलम इज एट द अदर एज और एंड ऑफ द नीलगिरी कॉम्प्लेक्स। एंड अगर वैसे आप देखें तो केरला में इधर से कोची मिलता है विच इज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स और सीवर्ड साइड, बट लीवर्ड साइड यानी ईस्टर्न साइड पर आपका कोयम्बटूर पड़ता है। तो ये तरीका भी है याद रखने का कि कौन सा एरिया या फिर सिटी लाई करता है नीलगिरी के आसपास। खड़ाई कैमल, ये सवाल पूछा गया है रिसेंटली। सो खड़ाई कैमल आर इंडिया ओनली स्विमिंग कैमल्स, तो ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन था 2017 का। खड़ाई कैमल्स आर वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड दे आर फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान, स्पेसिफिकली इन गुजरात, एंड ड्यूरिंग मानसून दे कैन स्विम इन द मैंग्रोव आइलैंड्स, and this is one of the very unique feature of them, and their livelihood, main source of livelihood of jat and rabari communities. So ये community जो उनको पालती है और उनके through livelihood generate करती है उसका नाम है jat and rabari communities. तो खड़ाई कैमल्स स्विमिंग कैमल्स की तरह नाम से जाने जाते हैं। इनकी 9 breeds हैं इंडिया में। गुजरात इज द ओनली स्टेट विच इज होम टू खड़ाई कैमल्स, पहले राजस्थान में थे पर अब नहीं है, अब दे आर ओनली प्रेजेंट ओनली इन गुजरात। एंड दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ कच्छ, शैलो सीज एंड हाई सैलिनिटी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैलिनिटी बहुत हाई ये टॉलरेट कर लेते हैं। दे कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर्स इनटू द सी, एंड जो डिस्टेंट कम्युनिटी जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए अग्रणी जाट्स एंड वन अनदर रबारीज, दे आर डिपेंडेंट ऑन द दीज खड़ाई कैमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन दो डिफिकल्ट एरियाज फॉर लाइवलीहुड। जाट्स, रबारीज एंड समाज बिलोंग टू मालधारी कम्युनिटी विच आर एक्चुअली नोमैडिक एंड पास्टोरलिस्ट। There has been steady decreasing mangroves, and ये इनका जो मेन फॉर्डर होता है इन कैमल्स का मैंग्रोव ही होता है। सो क्योंकि मैंग्रोव डिक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू डिस्टिलेशन, इनकी पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो रही है। क्वेश्चन ये था कि इट इज केपेबल स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर सी वाटर, यस। इट कैन सर्वाइव ग्रेजिंग मैंग्रोव्स, यस। एंड इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, नो। जो कम्युनिटी इन पर डिपेंडेंट है उन्होंने इसको डोमेस्टिकेट करके दिखाया है। सो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ इसी कंपैरिजन में अगर हम डिस्कस करें तो बैक्ट्रियन कैमल्स, सो दीज आर वन ऑफ द कैमल्स, यूनिक कैमल्स विच आर प्रेजेंट इन मिडिल सेंट्रल एशिया and parts of Afghanistan, Iran, Central Asia, China, East Asia. और इनका जो मेन पर्पज़ और यूज़ था वो था कि बिकॉज दे कैन टॉलरेट कोल्ड एंड ड्राउट इन हाई अल्टीट्यूड्स,
सो दे वर जनरली यूज एज अ कैरावान फॉर सिल्क रोड। और उनका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, गोबी डेजर्ट ऑफ मंगोलिया एंड टकलमाकन डेजर्ट ऑफ चाइना, एंड दे स्टिल रोम इन द साउथ वेस्ट साउथर्न पार्ट ऑफ कजाकिस्तान। दे आर इन चाइना, दे आर एक्चुअली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन फैक्ट, एंड दे कैन टॉलरेट, दे कैन सर्वाइव इन टेम्परेट ग्रासलैंड डेजर्ट, सो ड्राई डेजर्ट टेम्परेट एंड कोल्ड एरिया दे कैन सर्वाइव। एक एनिमल और है यूनिक है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, वो है बंगाल स्लो लॉरिस। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया में आता है, स्लो लॉरिस का कजन है, बहुत ही नॉक्टर्नल और बहुत ही आलसी जानवर होते हैं ये इंडिया में इंडेंजर्ड है, एंड आईयूसीएन ग्रेट लिस्ट में इसको लोकली इंस्टिंक्ट भी बोला गया है कुछ जगह पे। ये इसका जनरली जो पाया जाता है वो है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी ये जो फेमस है वो है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे पाया जाता है। नाउ अगर बर्ड्स की बात करें तो जर्डन क्लोजर वन ऑफ द बर्ड्स है जो कि आपको प्योरली एंड प्योरली इज एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश जो पाई जाती थी, एंड नाउ इट हैज बीन ट्राइंग बीन सीन एंड सीन इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। सो ये वो एरिया है जहाँ वो पाया जाता था, और वो एक्सपैंड होकर महाराष्ट्र में भी मिलता है। सो ये वन ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। घड़ियाल की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें ये बहुत यूनिकली प्लेस्ड हैं। ये सारे के सारे क्लीन रिवर्स यानी कि सॉल्ट वाटर बॉडीज में प्रेजेंट पाए जाने वाले घड़ियाल्स हैं। इनका जो मेन एरिया है वो है नेशनल चंबल सेंचुरी, जैसे दैट इज अक्रॉस थ्री स्टेट्स ऑफ यूपी, राजस्थान एंड एमपी, यहाँ पे पाए जाते हैं। चंबल रिवर का जो पूरा बेल्ट है वेस्ट में राजस्थान, साउथ और वेस्ट में एमपी, एंड ईस्टर्न साइड में यूपी, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में यूपी। तो ये तीन स्टेट्स हैं जो जहाँ पे इनकी प्रेजेंस काफी हैवी है। देयर आल्सो दे हैव बीन इंस्टेंट इन म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, एंड द रीजन इज द इफेक्ट्स ऑफ डैम्स, बराजेस, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स, पोल्यूशन, सैंड माइनिंग। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो है जो आज भी कोट किया जाता है वो यही है, पोल्यूशन, सैंड माइनिंग और बिल्डिंग ऑफ डैम्स। इससे इनको रिज्यूमिनेट करने के लिए चंबल रिवाइंस का एक प्रोजेक्ट चला था जो शिवपुर मध्य प्रदेश मुरैना में चालू किया गया। दंपा ग्रीन लैंडस्केप में इनको शिफ्ट किया जा रहा है, मिजोरम में इनको कल्टीवेट किया जा रहा है, राजा जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी, नैनीताल पौड़ी एरिया में भी इनको इनकी उनको पाला जा रहा है, गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून में भी इनको इनकी पॉपुलेशन ब्रीडिंग की जा रही है। सिम्पलीपाल ग्रीन एरिया, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, मयूरभंज उड़ीसा में, वहाँ पे भी इनको इंक्यूबेट किया जा रहा है। डेजर्ट एरिया में ये जैसलमेर राजस्थान में भी इनको इनको इन सीटू और एक्सीटू दोनों तरीकों से कल्टीवेट किया जा रहा है। अगर आप देखें तो रिवाइंस और चंबल एक यूनिक फीचर है जोग्राफी, जहाँ गलीज बहुत मिलती हैं रिवाइंस एंड गलीज, एंड जहाँ पहले ड्रेड आउट जगवर्स रहते थे आज वहाँ उसको इको टूरिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा है जो कि ग्रीन एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनिप सपोर्ट करता है थ्रू ऑल दिस रिसर्च एंड लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उस वो जो यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंटल प्रोग्राम के एक बॉडी के थ्रू जो रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस करता है फॉर एनवायरमेंट पर्टिकुलर थिंग्स, उस एजेंसी के थ्रू ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडिया में रन किया जा रहा है जिसके थ्रू हम घड़ियाल की पॉपुलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट का फोकस मध्य प्रदेश में रहेगा, नेशनल चंबल सेंचुरी क्रिएट किया जाएगा, विच विल प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर घड़ियाल एंड गैंगेटिक डॉल्फिन दोनों, नॉट ओनली घड़ियाल बट ऑल्सो फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन, और इसको एक इको टूरिज्म हब की तरह डेवलप किया जाएगा। ये इसके अंदर चार साइट्स डेवलप होंगी, केवल एक नहीं, नवाई दंपा इन मिजोरम, सिम्पलीपाल इन उड़ीसा, डेजर्ट लैंडस्केप ऑफ बाड़मेर इन राजस्थान, एंड जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। तो आप गौर से देखें तो इसमें कोई भी यूपी का नहीं है। The areas around these projects will be a replicable models for livelihood for marginal small farmers. तो इसमें forestation and agriculture को साथ लेके चलेंगे। अगला जो एनिमल हम डिस्कस करेंगे वो है लेदरबैक टर्टल, जो कि इंडिया से इंडियन ओशियन से होते हुए पैसिफिक तक ट्रैवल करते हैं, और ये बेसिकली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल में, बट टेम्परेट और आर्टिक एरिया में नहीं पाए जाते हैं। एंड दे कैन से ऑन एवरेज 45-60 किलोमीटर अ डे विच इज वेरी गुड, एंड दे ट्रैवल अप टू 50,000 किलोमीटर पर ईयर एंड डाइव डीप अप टू 1200 मीटर्स, विच इज वेरी वेरी ह्यूमंगस फिगर। जेली फिश इनका फेवरेट आहार है, प्राइमरी प्रे है, तो इनकी जो डेथ होती है ज़्यादातर वो फिशिंग ऑपरेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ एग्स नहीं हो पाते हैं, नेस्ट का डिस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा होता है ऑफ द एंड दिस वाइल्ड स्पीशीज एंड एनिमल्स एक्चुअली लाइक डॉग, कैट, डॉग्स एंड पिग्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बोथ डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट एंड एग्स। नाउ सिमिलर इज द प्रॉब्लम फॉर रिवर टेरापिन, फोर टूट रिवर टेरापिन एंड टर्टल। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो कि एफिशिएंट क्लीनअप सिस्टम और एक्वाटिक हैबिटेट्स का फंक्शन दिखाती है, जहाँ भी टेरापिन दिखेगा मान के हम लोग ये मान सकते हैं कि काफ़ी एफिशिएंट और क्लीनिंग सिस्टम क्लीन है वो एक्वाटिक बॉडी। जनरली ये फ्रेश वाटर रिवर्स और लेक्स में पाए जाते हैं। इनका एरिया काफ़ी बड़ा है, ये बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया यानी साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया दोनों जगह मिलते हैं। इनका कुचिंग होता है, किलिंग होता है फॉर मेडिकल पर्पसेस, इनको यूज़ किया जाता है चाइनीज मेडिसिन के लिए। सेम इज द प्रॉब्लम फॉर ग्लाइडिंग फ्रॉग, एंड दे आर फाउंड इन डेली इन वेस्टर्न घाट्स फॉर एट ओनली एट एलिवेशन फॉर मोर देन 1000 मीटर।
ये रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। फोकस एरिया इनका अन्नामलाई, जो कंसंट्रेटेड एरिया है वो अन्नामलाई तमिलनाडु हिल्स है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वल्चर्स, बर्ड्स। चार तरह के वल्चर्स हैं, व्हाइट बैक वल्चर, ये व्हाइट बैक वल्चर इसका पीछे का पार्ट व्हाइट रहता है। स्लेंडर बिल्ड यानी कि इनकी लाई गर्दन स्लेंडर की तरह होती है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये चार ऐसे वल्चर हैं जो इनकी पॉपुलेशन 99% डिक्लाइन हो गई कुछ सालों में। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वल्चर्स somehow because also of the spread of the rabies and anthrax and which has been spreading because of the ritual which is performed by the Parsis of throwing the last dead bodies in Machan. And also they are facing a major threat. One of the biggest threat is the painkiller diclofenac, because of which their kidney actually fails. So they eat carcasses. वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, carcass खाते हैं, जो कि जिनको हम लोग दर्द के लिए diclofenac देते हैं। वो डिक्लोफेनाक दवा उनकी बॉडी में कंसंट्रेटेड रहता है, जो कि कैरकास खाने के बाद इनके बॉडी में चला जाता है, बायो एक्युमुलेशन होता है और इनकी किडनी फेल हो जाती है। एंड वन ऑफ द लास्ट आइटम वी विल डिस्कस टुडे इज द फॉरेस्ट आउलेट। फॉरेस्ट आउलेट एक ऐसा उल्लू है जो शायद 113 साल से मिला नहीं, उसकी सर्च चालू थी 1997 में, बहुत सालों बाद 113 सालों बाद इसको देखा गया। और इसका मेन एरिया है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो इसलिए मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड महाराष्ट्र यहाँ देखा जाता है, वेंट्रल एंड नॉर्दर्न सेंट्रल महाराष्ट्र। एंड इसका जो मेन रीजन ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट है वो है बिकॉज ऑफ द लॉगिंग ऑपरेशन, बर्निंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डैमेजिंग द रूस्टिंग एंड नेस्टिंग एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आउलेट। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग मोर देन दिस इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। बस कुछ स्पीशीज हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे जो अभी इंडिया के लिस्ट में नहीं थे, रिसेंटली एड हुए हैं, लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है और ये ग्रासलैंड एरिया में पाया जाता है। सो बेसिकली इट इज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, then you can see even parts of UP and Andhra Pradesh, यहाँ भी आपको ये मिलेगा। और ये critically endangered species में ये one of the recent entry है, so ये बहुत important भी, इस पर question भी आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा importance दें। और ये इसकी presence पूरे Indian subcontinent में मानी जाती है। इसका distribution आप देखेंगे तो जैसा मैं कह रहा था कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, UP, MP, आंध्र, महाराष्ट्र, even कर्नाटक भी, even parts of पाकिस्तान में भी ये मिलता है। सो पंजाब से लेकर हरियाणा, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब जगह पर ये मिलता है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, पर इंडिया में भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। रिसेंटली इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, जिसको गवर्नमेंट को अप्रूवल देना है अभी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जनरली अपने लोकल मूवमेंट्स की वजह से जाने जाते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और ये स्मॉल फ्लॉक्स में विंटर में आते हैं। एंड देयर मेन एरिया ऑफ हैबिटेट इज ओनली एरिड टू सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, उनको स्क्रब और टॉल ग्रासलैंड में ही रहते हैं, इसलिए पंजाब, यूपी, हरियाणा इनका एरिया है। कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी हंटिंग बहुत होती है पाकिस्तान में, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बहुत गिर गई है। खाते हैं वहाँ पे लोग, इसको डेलिकेसी मानते हैं और इसको इरिगेशन के में जो भी रोड्स, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनसे भी इनको लाइफ को खतरा और डैमेज होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF ने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है गाइडलाइंस फॉर द स्टेट एक्शन प्लान फॉर रेजिडेंट ऑफ बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू WWF चला रहा है एंड इट इज ट्राइंग टू कंजर्व द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एट द डेजर्ट नेशनल पार्क। सो ये डेजर्ट नेशनल पार्क अगर आपको याद हो तो ये कहीं और नहीं, इंडिया में ही है, जैसलमेर में है। तो जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क में इसका ब्रीडिंग और कंजर्वेशन का एफर्ट डाला जा रहा है एंड ऑल्सो इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन पार्ट्स ऑफ गुजरात। एक और बस्टर्ड है जिसका नाम है हबारा बस्टर्ड, ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। ये नियर थ्रेटन्ड है, इसकी पॉपुलेशन फिर भी ठीक ठाक है। इसका जो एरिया है वो है नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न एशिया, दैट इज मिडिल ईस्ट। और ये यूरोपियन में पॉपुलेशन में रिस्ट्रिक्टेड है कैंडी आइलैंड तक, इसके वेस्ट नहीं जाता है और इसके ईस्ट भी नहीं आता है, फ्रॉम मिडिल ईस्ट से ईस्ट इंडिया में नहीं आता है। ये है इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये नियरली थ्रेटन्ड है, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हबारा बस्टर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन साउथ एशिया एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, वेयर एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डीआईबी इज प्रेजेंट इन एंटायरली इन इंडिया एंड साउथ एशिया, दैट इज पाकिस्तान आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।